नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं आईपीएल अपडेट्स लेकर। इंडियन प्रीमियर लीग का मौजूदा सत्र समाप्त होने वाला है, ऐसे में 8 टीमें नई ऊर्जा के साथ अब अगले साल आईपीएल में दिखाई देंगी। जबकि अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच खिताबी मुकाबला होगा। दूसरे क्वालिफायर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के एकमात्र रजत पाटीदार को छोड़ दिया जाए तो तमाम खिलाड़ियों का प्रदर्शन फीका साबित हुआ। रजत पाटीदार ही अकेले राजस्थान के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन जोस बटलर के सामने उनकी पारी पर पानी फिर गया। दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में सिक्का राजस्थान के पक्ष में गिरा। ऐसे में कप्तान संजू सैमसन ने प्रतिद्वंदी टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और उनके फैसले पर राजस्थान के गेंदबाजों ने मुहर लगाई। प्रसिद्ध कृष्णा और मैकॉय ने 3-3 विकेट चटकाए, जबकि ट्रेंट बोल्ट और आर अश्विन को 1-1 सफलताएं मिली। बटलर ने जड़ा जोश से भरपूर चौथा शतक। राजस्थान के सलामी बल्लेबाज ने 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पावर प्ले में ही अपनी मना स्थिति स्पष्ट कर दी। सलामी बल्लेबाज जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल ने पावर प्ले में भरपूर रन बनाए। इसी बीच यशस्वी जायसवाल जोस हेजलवुड की गेंद पर विराट कोहली को कैच थमा बैठे और पवेलियन लौट गए, लेकिन उन्होंने 13 गेंद में 161 के स्ट्राइक रेट से 21 रनों की छोटी मगर किफायती पारी खेली और फिर जोस बटलर ने एक छोर से मोर्चा संभाला। इस दौरान जोस बटलर ने सीजन का चौथा शतक जड़ा, जिसके लिए जोस बटलर ने 59 गेंद में 10 चौके और 5 छक्के जड़े, फिर एक और छक्का जड़कर टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। जोस बटलर ने 176 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 106 रन की पारी खेली, जिसके दम पर टीम फाइनल में पहुंची। आरसीबी की हार का दोषी कौन? बेंगलोर की हार के लिए किसी एक खिलाड़ी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। उन्होंने एक बार फिर से निराशाजनक प्रदर्शन किया। विराट कोहली ने 16 मुकाबलों में 22 के औसत से महज 341 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतकीय पारियां भी खेली, जिसको देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि विराट कोहली का फॉर्म वापस लौट आया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बेंगलोर को फाइनल में पहुंचने के लिए कप्तान फाफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों से अच्छे रनों की दरकार थी, जो महज मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित हुए। क्या वॉन को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएगी राजस्थान? खैर, अब सभी की निगाहें गुजरात और राजस्थान के मुकाबले में टिकी है। इन दोनों टीमों ने इस सत्र में उम्मीद से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। संजू सैमसन को लगता है कि टूर्नामेंट में उतार चढ़ाव चलता है, लेकिन उन्हें सेन वॉन की कप्तानी वाली टीम राजस्थान के प्रदर्शन को दोहराना है तो मजबूत इरादे के साथ गुजरात के खिलाफ रणनीति बनानी होगी और खिताब उठाना होगा। वहीं साल 2008 के विजेता कप्तान को श्रद्धांजलि मानी जाएगी। हालांकि गुजरात को कमतर नहीं आंका जा सकता। गुजरात की सबसे बड़ी ताकत टीम प्रदर्शन में है, क्योंकि टीम कभी भी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रही। हर एक खिलाड़ी ने अपना भरपूर समर्थन दिया और अपना दमदार खेल दिखाया है।